जोगेश्वरी पश्चिम स्थित अजित क्लास क्षेत्र के वीना दलवाई इंडस्ट्री इस्टेट में करीबन सुबह के 4 बजे अचानक आग लगी। यह कारखाने कई दिनों से बंद था, यहाँ पर बैंगल्स बनाने का काम चलता था। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में कोई भी जख्मी नहीं हुआ और मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंचकर आग को काबू में लाया गया। ये एरिया अजीत गिलास में लगता है। यहाँ पे क्या काम होता था? वो बांगड़ी का काम होता था इधर। और यहाँ पे आग कैसे लगी कुछ मालूम है? अंदर से आग लगी है, कुछ हम लोग को मालूम नहीं पड़ा। बाद में उधर से आदमी काम करते हैं बताएं, तब हम मालूम पड़ा, तो हम लोग दोनों गेट पर बोल के आके फिर रोड पर पुलिस वाले को बोले तो फ़ोन किए, उधर से भी फ़ोन हुआ तो गाड़ी आई। और आग कितने बजे के करीब लगी? वो लगी है कम से कम 4 बजे के लगभग। 4 बजे तुरंत ही फायर ब्रिगेड के लोग आए? हाँ, तुरंत नहीं आ गए। किसी को तकलीफ कुछ जान माल? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और कितना का नुकसान हुआ होगा ऐसा कुछ? ये हिसाब अपने लोग नहीं बता सकते हैं। वो क्या, तो हम लोग इधर नाइट में काम कर रहे हैं, उसके बाद तो पेशाब को निकला तो यहाँ पे अंगार देखा, तो उसके लिए हम लोग बंद कर दिया उसके, जब उस टाइम 3:40 हो रहा था। लेकिन यह आग कैसे लगी इसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। अंगार लगी तो उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन ये वीना दलवाई इंडस्ट्रियल इस्टेट है और ये जो उसका ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर का जो सेक्शन है उसका फर्स्ट फ्लोर में एक इंडस्ट्रियल गाला था, वो जो बंद था के अंदर वो इलेक्ट्रिक प्लेटिंग का काम चलता था। हम जब आए तो भी अंगार की जो ज्वालाएँ थी वो खिड़कियों से बाहर निकल रही थी, तो उसको फिर शटर खोल के हमने बुझा दिया है। हम लोग हमारे बीट में गश्त कर रहे थे, तो हमें हमको धुआं देखा, ऑन द स्पॉट आके देखा तो ऐसा था उधर कंपनी के गाले में आग लग रही है, इसलिए मैंने चैनल के ऊपर हमारे मेन कंट्रोल को बोला फायर ब्रिगेड के तुरंत बुला, तो फायर ब्रिगेड 5-10 मिनट में आए।